नमस्कार, मैं अदिति सिन्हा और आप देख रहे हैं IVTV। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। इस बीच 15 दिन के पेरोल पर आनंद मोहन बाहर आ चुके हैं। राजपूत समाज जो लगातार आनंद मोहन की रिहाई को लेकर मांग कर रहा था, रिहाई तो नहीं हुई लेकिन फिलहाल बेटी की शादी को लेकर 15 दिन के पेरोल पर आनंद मोहन बाहर है। लेकिन आनंद मोहन बाहर आते ही आखिर सबसे पहले किससे मिलने पहुंचे? आनंद मोहन ने सबसे पहले किसके पैर छुए? दरअसल आनंद मोहन जेल से बाहर निकलते ही सहरसा जेल से बीते कल वो बाहर आए और सबसे पहले वो अपनी माँ के पैर छूने पहुंचे और अपने परिजनों से उन्होंने अपने पैतृक गांव में मुलाकात की। इसके साथ ही अपने पैतृक गाँव में उन्होंने ठाकुरबाड़ी में भी माथा टेका और सभी से आशीर्वाद लेकर उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। मीडिया से बातचीत करते हुए जब उनसे पूछा गया कि आपकी रिहाई को लेकर लगातार राजपूत समाज मांग कर रहा है, आपकी रिहाई कब होने वाली है, क्या आपको इसको लेकर कुछ भी जानकारी मिली है, इसको लेकर आनंद मोहन ने कहा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आगामी 15 फरवरी को मेरी बेटी एडवोकेट सुरभि आनंद का शुभ विवाह है। आपके माध्यम से हम अपने तमाम मित्रों को, सहयोगियों को, समर्थकों को आमंत्रण दे रहे हैं। आप सब भी आमंत्रित हैं। कितने दिनों का पेरोल मिला है? अभी तो एक टुकड़े में 15 दिन का मिला है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, भरोसा रखिए सब ठीक रहेगा। अभी ये टुकड़े वाली खुशी है, यानी कि 15 दिन का पेरोल ही उन्हें मिला है, लेकिन उनका कहना है कि जल्द ही सब कुछ ठीक होने वाला है। यानी कि आनंद मोहन भी ये मानते हैं कि जल्द ही वो रिहा होने वाले हैं। बीते कल जब सहरसा जेल से वो बाहर निकले और 15 दिन के पेरोल उन्हें मिली, तो जेल के बाहर उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उन्होंने इस कदर लंबी कतार लगा दी कि मानो कोई भव्य प्रतिमा बाहर निकल कर आ रही हो। और जिस तरह से आनंद मोहन के प्रति वहाँ पर उनके समर्थकों ने प्यार दर्शाया और दिखाया कि वो अपने नेता को देखने के लिए कितने उत्सुक थे, इसे देखकर खुद आनंद मोहन भी भावुक हो गए। आपको बता दें कि आनंद मोहन को फिलहाल 15 दिन की पेरोल उनकी बेटी की शादी को लेकर मिली है। उनकी बेटी एडवोकेट सुरभि आनंद की शादी है 15 फरवरी को। इससे पहले भी उन्हें 15 दिन की पेरोल मिली थी जब उनकी बेटी की सगाई थी। अब शादी को लेकर जब उन्हें 15 दिन की पेरोल मिली है, तो देखना ये है कि इस बीच उनकी मुलाकात किनसे होती है। क्या नीतीश कुमार उनसे खुद मिलने आते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए, जहां वो महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि पर पहुंचे थे, पूरी राजपूत समाज को संबोधित करते हुए कहा था कि हम उनकी पत्नी के साथ मिलकर क्या कुछ बात कर रहे हैं और कितनी कोशिश कर रहे हैं, इसकी जानकारी शायद ही किसी को है। तो इसीलिए आप इस तरह से सवाल नहीं दागिए और इस तरह से रैलियों में हल्ला नहीं कीजिए, जल्द ही सब ठीक होने वाला है और जल्द ही आनंद मोहन की रिहाई होने वाली है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अब आनंद मोहन बाहर निकल कर आए हैं तो उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से होती है, नीतीश कुमार से होती है, और इस 15 दिन के पेरोल में कुछ ऐसा निकल कर सामने आता है या फिर आने वाले दिनों में आनंद मोहन के लिए कोई ऐसी खुशखबरी निकल कर सामने आती है कि उनकी जल्द से जल्द रिहाई होने वाली है। फिलहाल उन्होंने सभी को अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया है। जी हाँ, मीडिया कर्मियों के माध्यम से उन्होंने सभी को कहा है कि उनकी बेटी की शादी में हर कोई आमंत्रित है, बिहार की पूरी जनता आमंत्रित है, वो खुले दिल से सबका स्वागत कर रहे हैं। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे IVTV के साथ। कैमरा पर्सन हीरा के साथ मैं अदिति सिन्हा, IVTV पटना।